मिड डे मील वर्कर्स यूनियन एवं सीपीएम के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को विभिन्न मांगों को लेकर खगड़िया में रसोईया वर्कर्स ने सीपीएम कार्यालय से जुलूस निकाल गांधी पार्क खगड़िया पहुंचा, जहां धरना के माध्यम से रसोईया कामगार महिला सरकार से अपनी मांग रख रही है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीपीएम नेता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, सरकार विकास का झूठा दावा पेश कर रही है। उन्होंने कहा, सबसे लाचार प्रौनी मिड डे मील वर्कर रसोईया है, जिसे वर्ष में 10 माह का मानदेय वो भी 1250 रुपये मासिक की दर से मिलता है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है। उन्होंने कहा कि रसोईया संघ अपनी मांगों को लेकर आज गांधी पार्क में धरना किया है। संघ की मांग है कि प्रत्येक रसोईया को 18,000 रुपये मासिक मानदेय का भुगतान किया जाए, साथ ही 62 वर्ष के बाद पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रसोईया को सरकारी सेवक घोषित कर सभी को इंदिरा आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की मांग भी उठ रही है। रसोईया को शौचालय, वर्ष में एक जोड़ा ड्रेस, सेवानिवृत्ति के बाद परिजन को नौकरी देने की व्यवस्था की जाए सहित अन्य मांगें भी शामिल है। संजय सिंह ने बताया कि रसोईया संघ की मांगों पर सरकार अगर त्वरित कोई फैसला नहीं लेती है तो 7 जनवरी से सभी रसोईया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जो कि पूरे बिहार में एक संयुक्त रूप से आंदोलन चलेगा। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता संजय सिंह से हमारी बातचीत हुई है, आप उन्हें सुनिए। वो सरकार नहीं दे रही है, हम लोग बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की ओर से हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव की हैसियत से यहाँ नहीं हूँ, बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन खगड़िया जिला कमेटी के संरक्षक के हैसियत से मैं इस आंदोलन को मैं संजोता हूँ और इसका मैं नेतृत्व करता हूँ। अभी जो आंदोलन का मुख्य जो वजह है वो ये है कि बिहार राज्य मिड डे मील वर्कर्स यूनियन सहित जो है रसोईया संयुक्त संघर्ष समिति ने अभी ऐलान किया है कि 7 जनवरी से हम हड़ताल पर जाएंगे। हड़ताल पर जाने का भी वजह है, लगातार बिहार की तमाम रसोईया संगठनों ने बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के पास दिल्ली और पटना अपनी आवाज़ को उठाने का काम किया। मुख्य रूप से जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया वो ये है कि केंद्र की का जो सरकार का 46वां 45वां और 46वां श्रम आयोग का जो सिफारिश है वो सिफारिश है कि हिंदुस्तान के किसी भी मजदूरों को 18,000 रुपया प्रतिमाह वेतन होना चाहिए, लेकिन इन रसोइयों को 1250 रुपया मिल रहा है। अगर आप प्रतिदिन के दर से देखेंगे अभिषेक जी, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये 34 रुपये रोज़ पड़ता है। अब 34 रुपये रोज उस हालत में जबकि 18,000 का सिफारिश है, जब एक टाइम का भोजन भी होटल के अंदर 50 से कम का नहीं है, तो कैसे इनके बच्चे और इनका पेट भरने वाला है। यही वजह है कि लगातार हम लोग संघर्ष के मैदान में हैं। सर हाँ, पिछले कितने दिनों से महिला आंदोलन में है? ये 2013 से हम लोग आंदोलन में हैं, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि लगातार हम लोग इसकी सुविधा, आकस्मिक अवकाश, ये तमाम जो सवालात हैं इन सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन के मैदान में हैं। और जब केंद्र और बिहार की सरकार ने नहीं मानी तो अंत में संयुक्त रसोईया संगठन की ओर से ये निर्णय हुआ कि हमको हड़ताल में जाना चाहिए, और 7 जनवरी से बिगुल बज गया है, हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। ये आर पार की लड़ाई होगी, या तो नीतीश कुमार रहेगा या नहीं तो रसोईया को 18,000 हासिल होगा। हम लोग मानने वाले नहीं हैं, यही जो है आज मुख्य प्रयोजन है आज का। पिछले दिनों भी देख रहे थे कि आशा वर्कर्स भी जो अपना आंदोलन जारी किए हुए थे, उनका तो आंदोलन लगभग महीनों दिन से चल रहा है, तो क्या ये इनका जो है रसोईया मिड डे मील की जो वर्कर्स हैं इनका आज से ही आंदोलन शुरू हुआ है कि इससे पहले से चला आ रहा है? नहीं, आंदोलन मैंने कहा कि आंदोलन पहले से है, पहले से चल रहा है। मतलब हाँ, ये अंतिम हथियार है जो हड़ताल का है वो 7 जनवरी से है। जहाँ तक आपने चर्चा किया अभिषेक जी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है, आशा ममता हड़ताल पे हैं, ये तमाम लोग हड़ताल पर हैं और उसकी बिहार सरकार सुन नहीं रही है। आपके जानकारी के लिए बिहार में रसोईया की संख्या 2,80,000 है, और आज जो 5 राज्य का चुनाव हुआ है उस चुनाव ने जो केंद्र की सरकार है और उसके साथ में रहने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उनको समझा देने का काम किया है कि मजदूरों के साथ अगर आप खेलोगे, उसके साथ वादा खिलाफी करोगे, तो ये वो आग है जिसमें आप जल जाओगे और उस 5 राज्य में वो हारा।
और हम यही कहना चाहते हैं कि 2,80,000 रसोईया है, इसको आंगनबाड़ी मत समझे, वो इसको आशा ममता मत समझे, ये 2,80,000 रसोईया 2019 और 2020 में इनको जमींदोज कर देगा, लेकिन अपनी जीत हासिल करके रहेगा, 18,000 हासिल करके रहेगा। यही हमारा आज के आंदोलन का मुख्य सवाल। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करें। थैंक यू।